आखिरकार छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सारथी और खास कहे जाने वाले दीपक सक्सेना ने भोपाल पहुंचकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। उनके साथ छिंदवाड़ा के कई दिग्गज जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहना यादव ने आज शाम दीपक सक्सेना को भाजपा का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। 45 साल से कमलनाथ के सारथी रहे दीपक सक्सेना ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ कई दिग्गज नेताओं सहित मुस्लिम कद्दावर नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की है। उनके साथ आसिफ खान बंटी और अंजुमन के पूर्व सदर मिराजुद्दीन कुरैशी, परासिया पर्यवेक्षक हाजी आदिब गोलू खान और अन्य ने भी भाजपा ज्वाइन किया है। इस दौरान दीपक सक्सेना ने कहा कि उन्होंने छिंदवाड़ा के रुके हुए विकास को बढ़ाने और अन्य विकास के लिए भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी कमलनाथ का सम्मान करते थे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन भाजपा के लिए काम करेंगे। तो साफ है कि दीपक सक्सेना के भाजपा के जाने के बाद से कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए ये चुनाव चुनौती भरा हो गया है। ये दुख भी और खुशी भी है। दुख कमलनाथ जी को छोड़ने का है। कमलनाथ जी को छोड़ने का कभी सपना नहीं देखा था और आज भाजपा में सम्मिलित हो रहा हूँ, उस बात की खुशी भी है। क्या नीति रीति आपको भाजपा की अच्छी लगी? जो भाजपा की नीति जनहित की है, खास करके मोदी जी, अमित शाह जी, और मैं गडकरी जी से प्रभावित हूँ, हमारे सिंधिया जी से प्रभावित हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी यादव जी जो काम कर रहे हैं, इससे प्रभावित होकर मैं आज अपने मन से भाजपा को स्वीकार कर रहा हूँ। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।